बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी और नचबलिए फेम बिहार के रहने वाले विशाल आदित्य को कौन नहीं जानता। टेलीविजन जगत में इन्होंने हमेशा से बिहार का नाम रोशन किया। आज राजधानी पटना में विशाल आदित्य को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशाल ने बताया कि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उचित मुकाम की। वहीं विशाल ने बिहार के कलाकारों के उचित संसाधन मुहैया कराने की भी सरकार से मांग की है। स्टार रहा, बहुत ही सही रहा। दोनों शो बहुत ही अलग शो है, बहुत ही डिफरेंट शो है, बहुत ही बड़े शो क्योंकि इंडिया से सब गिने चुने लोग जाते हैं उसमें, 13 लोग जाते हैं। और बहुत किस्मत वाला हूँ जो मैं उन शो का पार्ट बना हूँ क्योंकि पूरे इंडिया में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, लोग आपको प्यार करना चालू कर देते हैं। और आपने रियल जो आपको क्या होता है, कई बार एक्टर लोगों के साथ ये है कि पता ही नहीं चलता कि रियल लाइफ में वो कैसे होंगे, उसके बारे में दुनिया को पता चलता है। और इससे जब लोग जुड़ते हैं तो आपसे जुड़ जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा शो, बहुत ही शानदार शो रहा है। मैं युवा कलाकारों को बस नहीं, मतलब मैसेज तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर आपके अंदर आर्ट है, अगर अगर आप आर्ट से प्यार करते हैं तो सोसाइटी क्या कहती है या फिर फैमिली क्या कहती है उस पर ध्यान ना दें। अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं या एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं या बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं या फिर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं या पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं या फिर आप लकड़ी का कोई काम ही बहुत अच्छा करते हैं, अगर अंदर आपके आर्ट है तो उस आर्ट को खुद से जिंदा रखो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसको समझ पाया, इस दुनिया में कोई समझ पाया है किसी, और हमारे गार्जियन लोगों से वो एक अपील है कि अपने उन सपनों में पैसे या अपनी चीज़ें मत लगाइए जिसको आप देख रहे हैं। आप अपने पैसे या अपना जो चाह है ना, जो इच्छा है, वो उन चीज़ों में लगाइए जिसमें आपका बच्चा चाहता है। तो उससे क्या हुआ कि बच्चा आपका सक्सेस ज़रूर होगा। मिसाल जी, आप बिहार से हैं और जी बिहार के कलाकारों को एक मौत जो माना जाता है, बिहार में नहीं मिलता जी जी, क्या कहें कि उन लोगों के लिए कैसे सक्सेस मिले, क्या करें, क्या गवर्नमेंट से भी कुछ आपकी अपील होगी, आप इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। सबसे सही सवाल पूछा है अभी तक आपने, सबसे सही सवाल, और इसका जवाब मैं एक्चुअली देना चाहता हूँ कि हमारे तरफ वैल्यू ही नहीं है। अगर हमारे तरफ कोई लड़का डांस करता है या गाता है तो मोहल्ले घर वाले बोलेंगे नचनिया बनने वाला है। अरे नचनिया थोड़ी होता है, आपको नाच पसंद है देखना उस तरह का तो आपके लिए नचनिया बन गया वो, क्योंकि आपके अंदर फुहड़ता है, आपके अंदर आर्ट को लेके प्यार नहीं है। और हमारे गवर्नमेंट में से और लोगों से तकलीफ है मुझे। तकलीफ क्या है, हमारे तरफ स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं है यार। हम इतना सब लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं, बट कुछ भी नहीं है आर्ट के लिए, कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली में कमेटी होनी चाहिए, एक पैनल होना चाहिए जो इसको बढ़ावा दे, संस्कृति को बढ़ावा दे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मधुबनी पेंटिंग जो हमारी है वो ऑल ओवर इंडिया में मतलब इतना तवज्जो दिया जाता है उस चीज़ को, लेकिन जहाँ की वो पेंटिंग है वहाँ मतलब घास भी डालते हैं, हम बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग है मतलब, लेकिन यही बाहर जाते आप इंडिया से जैसे या फिर इंडिया के किसी अलग स्टेट में आते हो उस पेंटिंग की हमारे भाषा में बोलता हूँ औकात बहुत बड़ी है। सो प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़, इससे ना बहुत चीज़ें ख़त्म भी होगी, बेरोजगारी भी ख़त्म होगी और लोग खुश रहेंगे, लोग अच्छी चीज़ें करेंगे ना, लोग अच्छी चीज़ें करेंगे तो सच में कहता हूँ सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। जी सर, इंडस्ट्री